हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण का मतलब समझा हमने, डेफिनेशन पढ़ा, उसके टाइप देखे कितने टाइप का होता है। जो ध्रुवित प्रकाश होता है, पोलराइज लाइट होता है, वो हमने पढ़ा कि तीन टाइप का होता है। एक तो समतल ध्रुवित, एक वृत्ताकार ध्रुवित, एक दीर्घवृत्ताकार ध्रुवित, प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलर पोलराइज्ड और इलेप्टिकल पोलराइज्ड, तीन टाइप का था वो। हमने उनकी कंडीशंस भी पढ़ ली कि कौन सी सिचुएशन में कब प्लेन पोलराइज्ड होगा, कब वो दूसरा वाला होगा, कब वो अलग होगा। तो वो उनकी कंडीशंस जो थी कि फेज इनका पाथ या जो कलांतर था, मतलब फेज डिफरेंस, वो कितना होना चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन होने के लिए, पर्टिकुलर पोलराइज्ड लाइट होने के लिए, वो भी हमने पढ़ लिया। और उनका किस वे में उनके विजुअल्स कैसे दिखते, वो दिखते कैसे हैं पर्टिकुलर पोलराइज्ड लाइट, वो भी हमने देखा। अभी हम लोग ये बात करेंगे कि चलो ये तो समझ आ गया कि पोलराइज्ड लाइट तीन टाइप का होता है, लेकिन अभी हम लोगों को पोलराइज्ड लाइट बनाना है, उसका उत्पादन करना है, उसका प्रोडक्शन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, ठीक है? तो उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अपना जो टॉपिक है, वन सेकेंड, अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि पोलराइज लाइट का उत्पादन कैसे करते हैं, ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन की विधियां, मेथड्स, मेथड्स टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट, मेथड टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट, ध्रुवित प्रकाश कैसे बनाते हैं, ध्रुवित प्रकाश का कैसे प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो, तीन टाइप का ध्रुवित प्रकाश होता है, तीन टाइप का पोलराइज लाइट होता है, तो उनके लिए हर एक पोलराइज लाइट बनाने का तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश है, उसके प्रोडक्शन के मेथड पढ़ेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड पढ़ने वाले हैं, प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? अब देखो, प्लेन पोलराइज समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पादित, इसको बनाने के लिए तीन चार मेथड है अपने पास में। पहला जो मेथड है वो है परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। एक है अपवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्रेक्शन, ये बचपन में पढ़ा है आपने, सेवन्थ एट्थ में भी पढ़ा है और इलेवन ट्वेल्थ में डिटेल में, ट्वेल्थ में डिटेल में डिस्कस किया है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर। तो रे ऑप्टिक्स में ये दोनों चीज़ें पढ़ी होगी आपने। परावर्तन, अपवर्तन, एक द्वि अपवर्तन द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा, इसको बोलते हैं डायरिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रेक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जो ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, एक तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होगा इसके बारे में डिस्कशन होगा, आगे जो पूरे चैप्टर में डिस्कशन होता रहेगा इसके बारे में बार बार डिस्कशन होगा इस टॉपिक के बारे में, द्वि अपवर्तन द्वारा। एक और है जिसको हिंदी में बोलते हैं डाइक्रोइज्म, डाइक्रोइज्म, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं द्विवर्णता, द्विवर्णता द्वारा, द्विवर्णता ही बोलते हैं क्या, एक सेकेंड मैं कहीं गलत तो नहीं लिख रहा, हाँ द्विवर्णता ही बोलते हैं इसको हिंदी में। ये चार मेथड है, इनमें से जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
परावर्तन और द्विअपवर्तक के द्वारा, ये एग्जाम में इनमें से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग परावर्तन के बारे में बात करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग परावर्तन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। परावर्तन ये क्या है, इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग परावर्तन रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन से हम लोग कैसे एक समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो कैसे बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, कोई चीज़ जा रही है, कोई लाइट जा रही है और कहीं से टकरा के वापस आ जाती है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। रिफ्लेक्शन में जैसे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, टकरा के वापस आ रही है। अब देखो क्या है, क्या होता है रिफ्लेक्शन में, एक ऐसी सिचुएशन देखी गई कि जैसे मान लो कि ये यहाँ पे है, नॉर्मल है, एक सेकेंड, नॉर्मल समझते हो, अभिलंब बोलते हैं नॉर्मल को, एक सेकेंड, सीधी लाइन ही नहीं बन रही मेरे से, ठीक है। अभी ये क्या है, नॉर्मल है, इसको बोलते हैं अभिलंब है। ये यहाँ पे ये एक मान लो कि कोई भी पारदर्शी पदार्थ है, कैसा है, कोई भी पारदर्शी, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे पानी भरा हुआ है, या मान लो कि कोई कांच का बॉक्स है ना, ये है, इसके ऊपर लाइट बीम आ रही है इधर से, ये लाइट बीम आ रही है इधर से, ठीक है। तो जब कमाल हो गया, कहाँ गया, सॉरी, देखो यहाँ से लाइट बीम आ रही है ना, ये नॉर्मल में फिर से बना रहा हूँ, ये नॉर्मल है, लाइट बीम आ रही है यहाँ पे। अब जब ये लाइट बीम आ रही है तो लाइट बीम में एक चीज हो रही है, क्या लाइट बीम आ रही है यहाँ पर, ये पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये होता है कि जब कोई लाइट जाती है, जब उस पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो इस लाइट में कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, और मोस्ट ऑफ पार्ट इसका क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, मतलब मीडियम से उधर चला जाता है, इसको बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रेक्शन। तो मोस्ट ऑफ पार्ट तो इधर चला जाता है और बाकी का पार्ट इधर चला जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। इसको मैं थोड़ा सा अगर सही जगह बनाऊं तो ये ऐसा, ये ठीक है, जो भी बन रहा है। इसमें ये होता है कि ये एंगल और ये एंगल, ये तो आपतन कोण हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये हो गया रिफ्लेक्शन, सॉरी हाँ रिफ्लेक्शन, ये परावर्तित कोण हो गया, यही है। तो ये तो आई हो गया एंगल, और ये एंगल हो गया आर, ठीक है। आई और आर दोनों बराबर होते हैं, ये रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का नियम होता है। ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, ये अभिलंब नीचे जा रहा है ये, ठीक है। अब देखो क्या होता है परावर्तन द्वारा, कैसे ध्रुवण कैसे होता, पोलराइजेशन कैसे होता है परावर्तन से। ऐसे बोला गया है कि जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराते हैं, परावर्तन यहाँ पर जब आप प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं, तो एक कोई पर्टिकुलर एंगल होता है जिसको आई पी बोलते हैं। अगर इस कोण पर इसको आपतित कराया जाए, मतलब इस आई का मान आई पी के बराबर हो, उस कोण पर अगर आपतित करवाया जाए, उस एंगल पर इंसिडेंट करवाया जाए, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट ये पूरी तरीके से ध्रुवित मिलती है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। ये मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, ये ऐसे बता रहा है कि ये पोलराइजेशन हो रहा है, ये लाइन क्या बता रहा है कि पोलराइजेशन है, ध्रुवित है ये लाइट, ठीक है, ये पोलराइज्ड लाइट मिलती है। और जो ये इधर लाइट जो जाती है अंदर अपवर्तित होकर जो रिफ्लेक्शन होकर जाता है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये आंशिक रूप से ध्रुवित मिलती है। आंशिक रूप से ध्रुवित मतलब मान लो कोई दो डायरेक्शन में मिल रहा है ध्रुवण, इसका इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, इसका ध्रुवण दो डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से ध्रुवित नहीं होती है, बट ये पूरी तरीके से ध्रुवित होती है, और ये पूरी तरीके से समतल ध्रुवित होती है, प्लेन पोलराइज लाइट होती है ये पूरी तरीके से, ये पार्शियली होती है और ये कंप्लीटली होती है,
आई बात समझ में? ये जो एंगल है जिस कोण पर ऐसी घटना देखने को मिलती है उस कोण को बोलते हैं ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो परावर्तन से कैसे होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर एक निश्चित कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित मिलती है, कंप्लीटली पोलराइज मिलती है, और ये जो अपवर्तित होती है रिफ्रेक्टेड जो लाइट है वो कैसे रहता है, पार्शियली पोलराइज्ड मिलती है, आंशिक रूप से ध्रुवित मिलती है। और ये जो एंगल है जिस एंगल पर हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं उस एंगल को बोलते हैं क्या, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण कोण। ठीक है, ये आईपी, ये जो एंगल है आईपी के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये एंगल, ये एंगल तो हमेशा बराबर होता है, तो आर भी क्या होगा, आईपी के बराबर ही होगा, ये भी मतलब आईपी ही एक तरीके से। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का रूल होता, परावर्तन का नियम होता है कि ये कोण और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? चलो इसको मैं आईपी लिख देता हूं, ये भी आईपी है और ये भी आईपी है। ठीक है, इस एंगल पर हमने इंसिडेंट करवाया तो ये ध्रुवित मिल गया अपने को, ये पोलराइज्ड लाइट मिल गया, इस तरीके से हमने पोलराइज्ड लाइट बना ली। क्लियर है, ये मिल गया भैया अपने को। अब देखिए यहां पे कुछ रूल बताता हूं मैं, इसमें ऐसा है क्या है कि इसमें ये बोला गया, ब्रूस्टर ने एक नियम दिया यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ब्रूस्टर ने एक नियम दिया, ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर्स लॉ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रूस्टर लॉ इंपॉर्टेंट, परावर्तन पूरा इंपॉर्टेंट एक तरीके से, रिफ्लेक्शन। ब्रूस्टर ने एक नियम बताया, उन्होंने ये बोला कि ये जो एंगल है आईपी, इसका ये एंगल क्या, थीटा ही तो एक तरीके से एंगल है ना, तो इसका टेन का जो मान होगा ना, टेन का ये मतलब इसको टेन को बोलते हैं कोज्या, तो इस कोण की कोज्या हो गई, इस एंगल का टेंजेंट वैल्यू हो गया, ये इस मीडियम के माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा, म्यू इक्वल टू टेन आई पी होगा, ये बोला। क्या होगा अब सुनिए बात, ऐसा है कि जैसे ये एक लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ये आईपी हो गया, ये भी आईपी हो गया, ये अपवर्तित हो गई। ठीक है, ये रिफ्रेक्टेड लाइट, ये रिफ्रेक्टेड लाइट, ये रिफ्रेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये इंसिडेंट लाइट, आपतित, परावर्तित और अपवर्तित। ठीक है, ये जो है आईपी हो गया। अब हम लोग ये बोल रहे हैं यहां पे कि ब्रूस्टर ने ये बोला कि जो आईपी है उसका कोज्यामान, कोज्यामान मतलब उसका टेंजेंट वैल्यू, उसका कोज्यामान किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा, माध्यम के अपवर्तनांक, मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये ब्रूस्टर ने बोला, एक इक्वेशन अपने को ये मिलता है यहां से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू इक्वल टू साइन टेन, टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह है आईपी, साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी, इसको लिख सकता हूं मैं इक्वेशन नंबर वन, जो भी ए वन टू कुछ भी लिख लो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया। एक दूसरा, ये यहां पर क्या हो रहा, अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा ना, ये रिफ्रेक्शन भी हो रहा है, तो रिफ्रेक्शन के लिए एक स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो म्यू होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ होता है ना, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू के बराबर होता है, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई इंसिडेंट एंगल अपॉन आर, ये रिफ्रेक्टेड एंगल होता है, ये अपवर्तित कोण होता है, ये आर जो है ये एक्चुअल में ये है अपवर्तित कोण, इसके इक्वल होता है। ठीक है, और आई इंसिडेंट एंगल आईपी के बराबर है, तो ये तो हो गया आईपी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर टू मान लो इसको, तो इक्वेशन वन और टू से देखिए, बाय इक्वेशन वन एंड टू दोनों लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, और राइट साइड बराबर होगा तो क्या आएगा, राइट साइड बराबर होगा साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी इक्वल टू साइन आईपी अपॉन साइन आर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इधर चला गया ये इधर, तो साइन आर इक्वल टू कॉस आई पी, ये हो गया क्या, क्लियर है?
अब देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये है साइन आर इक्वल टू कोस आई पी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस थीटा को, देखो कोस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस आई पी, मतलब कोस को साइन की टर्म में ले लिया मैंने, है ना, दोनों तरफ ये भी साइन में, ये भी साइन में, इसका मतलब है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, तभी बराबर होगा, मतलब कि ये आर जो है, ये आर है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 90 माइनस आईपी के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब आईपी को इधर ले आऊं तो आईपी प्लस आर किसके इक्वल होना चाहिए, 90 के, इसका मतलब ये हुआ कि आईपी ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो टोटल एंगल बनेगा, ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल ये कितने का होगा, एक पॉइंट बन रहा है और इस पॉइंट के ऊपर एक तरफ जो एंगल बनता है कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, टोटल 180 डिग्री का होता है, ये एंगल और ये एंगल 90 का हो गया, इसका मतलब है कि ये जो बाकी का एंगल बचा है ये वाला, ये भी 90 का बचेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 का बच गया, तो ये टोटल 180 का, तो ये 90 का बच गया, तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, 90 होगा, इसको कोई पॉइंट लिख लो जैसे ए बी, पर जो नोट्स में लिखा मैं वही नाम देना चाहूंगा, इसको नोट्स में क्या नाम दिया गया, इसको नोट्स में इसको नाम दिया गया आर और ई, इसको बोला गया एन, इसको आर और इसको ई, इसको एन बोला गया, इसको आर बोला गया, इसको ई, तो यहां से जो आर, इसको ओ लिख लो, ओ ई जो एंगल है वो कितना डिग्री का हो गया, आर ओ ई, ये भी 90 डिग्री का हो गया, एंगल आर ओ ई 90 डिग्री का हो गया, और एंगल आर ओ ई 90 डिग्री का होने का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ये जो रिफ्रेक्टेड लाइट है, ये जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, जो रिफ्रेक्टेड लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती है, इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रेक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस कंडीशन में ऐसा होता है, आगे बात समझ में, तो यह चीज कई बार यह भी आ जाता है कि यह प्रूव करो, ये प्रूव करो कि परावर्तन में ये लाइट और ये लाइट क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रेक्टेड लाइट के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, क्लियर है, ये बात यहां से मुझको समझ आती है, समझ आया, ये टॉपिक था जो कि एक तरीके से फिनिश हो गया है, तो इस टॉपिक एक बार टाइम देख लेता हूं, फिर मैं इसको थोड़ा सा री एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, देखो सुनो, फिर से सुनो, हम पढ़ रहे हैं कि क्या मेथड है टू प्रोड्यूस द पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, एक ध्रुवित प्रकाश बनाने के तरीके क्या है, क्या विधियां हैं, तो सबसे पहले हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश बनाने की विधियां समझ रहे हैं, पोलराइज्ड लाइट बना रहे कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और प्लेन पोलराइज बनाने के लिए हम लोगों ने मेथड पढ़े चार, जिसमें है रिफ्लेक्शन का, परावर्तन, अपवर्तन, द्विअपवर्तन और ये डाइक्रोइज्म, ठीक है, चार, अब इसके अंदर सबसे हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग परावर्तन को स्टडी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन को, कि परावर्तन द्वारा कैसे ध्रुवित लाइट बनाते हैं, रिफ्लेक्शन से कैसे हम लोग पोलराइज लाइट बनाते हैं, तो उसका जो तरीका है वो हमने ये बनाया, कैसे, उसके लिए हमने ये अपनाया कि एक क्या है, यहां पर एक हमने एक मीडियम ले लिया, एक क्या पारदर्शी माध्यम ले लिया, इसके ऊपर एक लाइट आपतित करवा रहे हैं, और जो लाइट आपतित हो रहा है, इस आपतित लाइट का क्या होता है, यहां से कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्रेक्ट हो जाता है, तो जो रिफ्लेक्ट होता है वो पार्ट पूरी तरीके से ध्रुवित होता है, प्लेन पोलराइज्ड होता है, और जो रिफ्लेक्ट हुआ है, ये जो अपवर्तित हुआ है,
ये रिफ्लेक्टेड लाइट ये आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, पार्शियली पोलराइज्ड होती है, उस स्थिति में जब इसको एक पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट कराते हैं, एक निश्चित कोण प्राप्तित करवाते हैं, तब ये होता है। और इस निश्चित कोण को बोलते हैं ध्रुवण कोण। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर है? दिस इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी। आईपी इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर है? ये मिल गया। और इस सिचुएशन में हमने जो चीजें देखी वो इस तरीके से हो रहा है कि आर आई एक लाइट इधर चली गई, कुछ पार्ट इधर अंदर चला गया, या आईपी या आईपी। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रूस्टर ने एक लॉ दिया, ब्रूस्टर का एक नियम है। ब्रूस्टर ने यह बोला जो कोण है आईपी उसकी कोज्या का मान इसके अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल है उसके टेंजेंट का वैल्यू, मतलब टेन थीटा का वैल्यू, उसका टेंजेंट का वैल्यू उस मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा, तो म्यू के इक्वल होगा। ये एक टेन को हमने साइन आईपी अपन कोस आईपी लिख लिया, एक सिचुएशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। दूसरा इक्वेशन ये है कि एक कोई भी जब रिफ्रेक्शन का इंसिडेंट होता है, कोई भी जब अपवर्तन की घटना होती है, तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरणें क्या करती है, स्नेल को के लॉ को फॉलो करती है, स्नेल्स लॉ को। और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्नेल के नियम के अनुसार म्यू जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। आई यहाँ पर आई पी है और आर ये आ गया। तो यहाँ से कुल मिला के बात अपने को ये मिल गया कि आई पी प्लस आर 90 डिग्री होता है। मतलब कि ये दोनों एंगल, ये प्लस ये 90 डिग्री होगा। तो इस लाइन के इस तरफ पूरा टोटल एंगल 180 होता, तो ये 90 हो गया। तो ये जो एंगल बच गया आर ओ ई, ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये लाइट तो है रिफ्लेक्टेड, ये लाइट है रिफ्रेक्टेड, ये अपवर्तित और ये परावर्तित। इसका मतलब अपवर्तित और परावर्तित दोनों रेखाओं के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता है। परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों परस्पर लंबवत होती है, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, ये पहला मेथड कंप्लीट हो गया। इसके अलावा भी मैंने कुछ नोट्स में वो लिखा है क्या, ये कंप्लीट हो गया भैया, इतना ही लिखा है। ठीक है, तो कभी कभार तो इसमें ब्रूस्टर का लॉ पूछ लेता, ब्रूस्टर्स लॉ, व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर का नियम बताइए। कभी परावर्तन के बारे में पूछ लेता कि परावर्तन ये जैसे ये आ गया। क्लियर है? तो ये एक तरीका पढ़ लिया, इसके बारे में अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट में चल के, सिंपल सा। अब हम लोग अपवर्तन, ये कुछ ये इससे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अपवर्तन से जो समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, उसकी तीव्रता बहुत कम होती है, तो उसके बारे में इतना बात नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दूसरा मेथड है द्वि अपवर्तन द्वारा, डबल रिफ्रेक्शन वाला, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे चैप्टर में इसके बारे में बहुत सारी बातें होगी अभी, तो द्वि अपवर्तन द्वारा डबल रिफ्रेक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलिए, ओके।